वेलकम बैक वंस अगेन टॉक विथ शुभम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुकी केवल और केवल कक्षा 8वीं पास वालों के लिए नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 850 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा मौका आपको बार-बार देखने को नहीं मिलेगा, जहां पे केवल और केवल कक्षा 8वीं पास वालों के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। साल 2021 की शायद आखिरी बड़ी भर्ती होगी जब FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसी भर्ती के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। इससे पहले FSSAI के भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हैं और अब जाके आपको FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्ट भर्ती के नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाली हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको काफी अच्छा समय मिलने वाला है। आवेदन 11 अक्टूबर 2021 से लेकर 10 नवंबर 2021 तक चलने वाले हैं। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आपको और भी कई सारी जानकारी मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 8वीं पास हैं और आपके पास अभी तक किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है साल 2021 के अंदर एक अच्छे से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप लोग आज की इस वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जहां से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा और ऑनलाइन आवेदन भी करने का ऑप्शन वहीं पे आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, जब आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम, यहाँ पे आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, पहला होम का, दूसरा रजिस्टर्ड हेयर का। और साथ ही साथ यहाँ से अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आपको इस वैकेंसी के बारे में इम्पोर्टेंट इवेंट्स और डेट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि जो आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं वो आपको 11/10/2021 से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो आपको क्लोजर देखने को मिलेगा यानी कि आखिरी डेट, वो 10/11/2021 यानी कि 10 नवंबर के दिन का देखने को मिलेगा। इसके नीचे जब भी आप लोग आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपके पास डाउनलोड की बटन आएगी इस पे एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद किसी भी PDF रीडर की मदद से आप लोग अपना नोटिफिकेशन ओपन करेंगे। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। इसके अंदर आपको यहाँ पे प्रोजेक्टेड वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे गौर करिए टोटल नंबर वैकेंसी 860 देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको 18 से लेकर 30 साल की एज मिलेगी, कैसे मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, जर्नल के लिए आपको 345 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 86, OBC के लिए 180 और SC कैटेगरी के लिए 249 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको पोस्ट यहाँ पे वॉचमैन की देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक गवर्नमेंट जॉब है, ये बिल्कुल भी आप लोग मत भूलेगा और केवल कक्षा 8वीं पास के लिए आ चुकी है। वेतन आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिलेगा, 23,300 रुपए से लेकर लगभग 64,000 रुपए तक का, यानी कि वेतन भी यहाँ पे आपको भर भर के देखने को मिलने वाला है।
तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे आएंगे अगर तो आपको अदर बेनिफिट लाइक यहाँ पे बोला गया है CPF और यहाँ पे कई तरह के यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, आप लोग इसको जरूर चेकआउट करिएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको रिजर्वेशन के बारे में पता चलेगा, एज में क्या रहेगा क्या नहीं, और देन यहाँ पे जैसे जैसे आप लोग नीचे आएंगे टोटल आपको 28 यानी कि 28 पेजों का PDF मिलेगा। अब आपको लगा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट है वॉचमैन की। क्वालिफिकेशन के अंदर जो मिनिमम पास आउट है आप लोग देखिए यहाँ पे 8वीं पास यानी कि मिडिल स्टैंडर्ड पास केवल और केवल 8 और 5th यानी कि 5वीं और 8वीं पास वाले कैंडिडेट्स के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हैं। और एज मैंने आपको क्यों बोला था कि 18 से लेकर 30 साल की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 ईयर यानी कि 5 सालों का उम्र में छूट भी मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ से और नीचे आइए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल FCI एम्प्लॉय द मैक्सिमम एज विल बी 50 ईयर्स, यानी कि अगर आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं FCI के तो आपकी एज यहाँ पे 50 ईयर्स तक के लिए जो है तो वैलिड की जाती है। इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे, काफ़ी सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई जो कि मैं वीडियो के आगे आपको देने वाला हूँ, तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको अभी मैं बताऊँगा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फ्री में आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म फीस है वो भी बिल्कुल फ्री है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो 3 से लेकर 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा। फिजिकल के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए ये आप लोग यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो कि आपको क्वालिफाइंग करना होगा, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। ये सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि अगर आप लोग भारत के नागरिक हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे ही करके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, और जो आपका फाइनल चयन है वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 850 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहां पे केवल और केवल 8वीं पास है तो भी आप लोग वॉचमैन की वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन आपको 23,300 रुपए से लेकर लगभग 64,000 रुपए तक का देखने को मिलेगा। आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 30 वर्ष की है तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट भी दी जाएगी। आपको आवेदन ऑनलाइन ही करने होंगे, कैसे करेंगे इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। आवेदन करने की जो आखिरी डेट है वो 10 नवंबर 2021 की है, और एक अच्छी बात यह कि फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप लोग निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जहां से आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिलने वाला है। दोस्तों आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आपको नीचे आना है, आप लोग देख पाएंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखे लिंक linkworking.org की आपको वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको काफी अच्छे से बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो आपको 860 पदों पर भर्तियां देखने को मिल रही, जहाँ पे आपको वॉचमैन की पोस्टें देखने को मिलेंगी। यहीं पे अगर हम बात करें इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ऑलरेडी फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट 10 नवंबर 2021 की रखी गई है। इसके बाद आपकी एज है जो कि यहां पे मिनिमम कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल यानी कि 30 ईयर तक की होनी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फीस है जो कि जनरल OBC EWS के अंदर कुछ लगने वाला है, अप्रोक्स यहाँ पे 250, और अगर आप लोग SC ST PHI फिर और भी किसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप लोग निःशुल्क यानी कि बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट, आप लोग क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। देन अगर बात करें कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलने वाली है।
इसके बाद यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आप लोग कौन कौन से राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। देन अगर हम बात करें यहाँ पे कि वेतन आपको कितना मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 23,300 रुपए से लेकर अप्रोक्स यहाँ पे 64,000 रुपए मंथली का मिलेगा, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है। अगर बात करें आपके एजुकेशन की, तो 8 यानी कि कक्षा 8वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की आखिरी डेट 10 नवंबर 2021 की रखी गई है। इसके बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिटन एग्जाम, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के थ्रू आप सभी का चयन होने वाला है। देन आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सिंपली आवेदन कर सकते हैं। चूंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आवेदन करने वाला स्टेप इस वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इस वीडियो के लिए केवल 500 लाइक का टारगेट है। अगर आप लोग इस लाइक के टारगेट को कंप्लीट करते हैं, तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको आवेदन करने का प्रोसेस जरूर बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।